दोस्तों आज हम जा रहे हैं खेत में और आज हमारे चाचा की डांडे पर विशेष प्रोग्राम किया जा रहा है। राम राम काकी, मैं तो रोटियों खाना आया। मैं राम राम को रोटियों खाना आया। मैं तो रोटियों खाना आया तो खो। सारे लोग आ गए। दोस्तों ये मेरे दादी जी है और ये अपने जमाने की कुछ बात बताएंगे आपको। सुबह शाम खिचड़ो खाता मारवाड़ मारवाड़ में। हाँ मतलब इसी दिन नाम आवे। हाँ बता सीधे बता। खिचड़ो खाता मोट बाजरी को। मोट बाजरी को रोज शाम का खिचड़ो। रोज शाम का खिचड़ो कूट के बनाता। और दिन के दही साग भी खा लेता खिचड़ो। हाँ खिचड़ो। अच्छा। और फिर बाजरी का रोट पहुंचता खानता वा बाजरी की रोटी। बाजरी की रोटी। अच्छा दोस्तों एक दिन हमने मोट बाजरी और साधान का खिचड़ा बनाया था। वैसा ही स्वादिष्ट होता किसो के बहुत ही जोर को है। अच्छा घी सा खा लियो दूध सा खा लियो। खेत में जमता रोटियां दोपहर बना के एकदम मस्त जगा के बोलो सारा लकड़ा जगा के मिल्डो जगा के और फिर रोटियां बनाता खेत में। खेत में क्यों चूल्हा लगा नहीं होता खेत में। खेत में चूल्हा सारा को नहीं होता। अच्छा अब वाली लुगाई घर है सोलह साल में तो खीरा पर ही रोटियां बनाता सीधी आग लगाई और रोटियां बनाया। अरे बट बिना रख सामान ऊपर मत रख दो। यहाँ कह रहे मर जाना बाढ़ बाढ़ सीखे बाढ़ बाढ़ सीखे। आज तो भाई करा आज तो बाढ़ ही बाढ़ से वैसे भी पुरानी हो गई है बाढ़ नहीं बना लेंगे। इसी और क्या है थोड़ी कम इसी और ओके 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 बाय। अब ऐसे बनाना है बाजरी को बाजरी का लून गेट लियो और अजवाइन अजवाइन और नमक बस दो चीज पानी हम दो ही बनाएंगे रोटी एक बाजरी का और एक गेहूं का। इसमें भी अजवाइन और नमक ही डाला है। ज्यादा नमक कौन गिरना ठीक बहुत ज्यादा तप रहा है पास भी नहीं जा सकते ऐसे। दोस्तों एक बात याद रखें जो हम बाजरी वाला बना रहे हैं इसको थोड़ा टाइट ही रखें है माँ। टाइट सही है नहीं। और मेरे आंटी जी जो है वो योग करना भूल गए। बाजरी का जो आटा है दादी जी ने जो लिया है वो टाइट जरूरी है माँ। टाइट जरूरी है थोड़ा वो भी टाइट ही रख ले। बता बता टेक्निक तेरी। दोनों पास लकड़ो रोप गए। दो लकड़ा रोप दिया। लकड़ो रोप दियो ऊपर एक और लगा दियो। एक और हाँ। अच्छा ऐसे लगा दिया हाँ। फिर भी मानी रोटी काल ले चारों गोल मोर। अच्छा गोल मोर के बीच में लकड़ी काल गए हाँ। फिर घुमा वो करे घुमा तंदूरी सिक्के नहीं हाँ हाँ जो सिक जैसे। अच्छा आईडिया तो अच्छा पहली कौन दियो पर आगे सागे लकड़ी हुए किसी की बल जाएगी खुद ही। अभी दादी माँ जो है वो रोटियां बनाना शुरू कर चुकी है। कितने बनाएगी माँ दो हैं तीन के बाजरी का एक्चुअली बड़ा एक बनेगा नहीं वो कितने बनाएगी वो एक
एक बनाई, वो एक बन सकता है गेहूं का है। वाओ, माँ के हाथ की प्रैक्टिस है पहला। ये रोटियां नहीं है, रोटड है। ये ना करे, रोटी है, रोटी है, रोटी है। याद ही कोई रंग मार दिया के तो ये समस्या है, अगर तेल घी कुछ लगा दें तो चिपकेगा नहीं, चिपक जाएगा। घी हम लगाएंगे नहीं, कम नहीं है। दोस्तों रोटियां अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है अभी। हैं पिज्जा टाइप बन गया, मेरा हाथ बन गया। माँ उल्टा बन गया, थाली बना के नहीं चीज। बराबर दूरी, बराबर दूरी। बस बस अलाओ ना ना। अरे कोई बात नहीं, बाल्टी भर के ले हमारे पानी की। दो बार नहीं भी दो दो के खाना पड़ेगा हमें। दादा भी बनवाऊं था सागे। ओ दादा तो बापड़ो कठर हो गए। हमारा दादा जी थाली ले आ रहे हैं। मीडियम थी। दादा बापड़ो गेल ने कठर हो तो दादा सागे रहन तो वा। दादा जी आके ता थाली में घाल दे, घाल दे। ले तो ठीक है, नहीं तो सो जऊं के। वो को पी के सो जो। दादा सोनी तक कठर। हां। टिकट ठाकरा कणक। अब वोट है? वोट देखा कणक का गेहूं का ज्यादा है बाजरी का? हां बता। चूरमा में रोटी खाण में। चूरमा। चूरमा में तो बाजरी को ज्यादा है। बाजरी को वोट है। अब बता। मैं कणक। काकी को बाजरी को ही चोखो लगे। पहले तो मने ही ध्यान को नहीं होए पर तू एक ली देख देर तो रोटी ये निकल के स्वाद लगे। चूरमा बाजरी को, चूरमा बाजरी को स्वाद लगे। सीख गयो, सीख गयो लगे हैं। थोड़े और सेक ले गए कच्चो नहीं रहे जो करीब 10 से 1 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी और देर लगेगी खाने में। एक बार चेक तो करो कि बनियो कौन में। ओ देख ओ ये रोटी में है। गाड़ी बना दी।
रुक 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 बिगमा मेल दे रख दो देख देखा शिव योग वो गुड़ का गुड़ डालो पहले ये पंगाल गुड़ ये पंगाल दे करो पन करिए आप आपने भाग दी करी मामा वो एक मिनट मेरा थोड़ दो नरम नरम थोड़ा शुक्रिया सर मिला ले मिला ले मिला ले मन के बेरे में भूल गयो चलो भाई जिमन करते हैं अब ठीक खाओ स्वाद बढ़िया बढ़िया मस्त है ये बाजरी को पसंद है ये किसे बताई किसे पसंद है वो पसंद है पसंद है किनु किया लगे बताई बहुत मस्त लगा बहुत मस्त लगा बहुत बढ़िया लगे लाइक छोटो दे छोटो दे छोटो छोटो दे दोस्तों अभी जो है वो कोरोना वायरस महामारी के चलते आप सब अपने घरों में ही रहें घरों से बाहर निकलें तो भी सावधानी से रहें हम जो है वो अपने घर और खेत में ही हैं और जितने आप लोग देख रहे हैं हम एक ही परिवार के एक ही घर के सदस्य हैं और जहां हम ये जाकर आए हैं अपने ही खेत में घूम रहे हैं और जिस तरह से आज हमने एक आटे का रोटिया इस तरह से बनाया है पहले के समय में ये सामान्य बात होती थी जब भी लोग खेतों में काम करने के लिए अपने घर से दूर दूर खेत होते थे 10 कोस 20 कोस 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस तरह से जाते थे तब अपने खेतों में साथ में आटा और पानी लेकर जाते और इस तरह से रोटियाँ बनाकर खा लेते थे जो आज के समय में इस तरह का चलन बंद सा हो गया है और खेतों में कांटा चुभना आम बात है मेरी दादी माँ के चुभ गया है जिसे मेरी छोटी सिस्टर निकाल रही है